सो हेलो गाइस, वेलकम टू मैकेनिकल डिजाइनर। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर डेवलपमेंट टाइप ऑफ वीडियोस। गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरा हर एक सोशल मीडिया चैनल्स में हमको फॉलो कीजिए, और मेरा जो दूसरा सोशल मीडिया में उसमें हमको फॉलो कीजिए। और मेरा चैनल बहुत ही जल्द 2K सब्सक्राइबर का सामने है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस वीक का नया एंड फ्रेश बंगाल न्यूज़ में आप सब लोगों को स्वागत है। बंगाल न्यूज़ में हम लोग वेस्ट बंगाल का डेवलपमेंट, वेस्ट बंगाल में नया नया इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। तो मेरा चैनल से जुड़े रहिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो बहुत दिन बाद बंगाल न्यूज़ आए हैं, तो ढेर सारा प्यार दीजिए। एंड बंगाल न्यूज़ में नया एंड फ्रेश बंगाल न्यूज़ में हम लोग जो पहला बिग न्यूज़ आ रहा है वो है कोलकाता से। कोलकाता सिटी तो बहुत ही जल्द डेवलप हो रहा है। डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, आईटी इन्वेस्टमेंट्स एंड फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स कोलकाता में आ रहा है। अभी कोलकाता में जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का ड्रीम प्रोजेक्ट है, कोलकाता फिनटेक हब, जिधर में फिनेंशियल कंपनीज का ऑफिसेस ओपन होगा, जो वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर का भी ड्रीम प्रोजेक्ट है, उस जगह से एक बिग अपडेट आ रहा है के है जो फिनटेक हब है उस जगह में ऑलरेडी SBI, नेशनल इंश्योरेंस, बंधन बैंक का तो हेडक्वार्टर बन ही चुका है। आप लोग वीडियो में देख ही सकते हैं कितना अच्छे से ये जगह अभी डेवलप कर रहा है जो फिनटेक हब में। उस जगह में नया जो लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, जो पंजाब नेशनल बैंक है उसका एक स्टाफ के लिए जो ट्रेनिंग सेंटर होता है, जैसा SBI का भी बन चुका है, उसका टाइप का एक ट्रेनिंग सेंटर डेवलप करा जाएगा फिनटेक हब में। तो फिनटेक हब में और एक नया इन्वेस्टमेंट पंजाब नेशनल बैंक का तरफ से हम लोग देख सकते हैं, जो फिनटेक हब को और भी ज़्यादा डेवलप होने में एंड नया नया जो इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे फिनटेक हब में और एक जो कंपनी जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो इंस्टीट्यूट है ICAI का नया बिल्डिंग ऑलरेडी प्रपोज्ड है, जो फिनटेक हब कोलकाता में होगा। तो फिनटेक हब कोलकाता ऑलरेडी गुजरात का जो गिफ्ट सिटी है, जो गुजरात फाइनेंशियल टेक हब के साथ कंपेयर कर रहा है, कॉम्पीट कर रहा है। तो ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा फिनटेक जो कंपनीज का जो ऑफिसेस है वो हम लोगों का नया न्यू टाउन कोलकाता एरिया में देख सकेंगे, जो न्यू टाउन का डेवलपमेंट एंड कोलकाता का डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो रेलवे इंडस्ट्री के ऊपर, रेलवे इंडस्ट्री में आप जानते ही हैं कोलकाता का डेवलपमेंट, नया नया कंपनी प्री इंडिपेंडेंस का टाइम से ही कोलकाता में डेवलप हो रहा है। अभी कोलकाता का बैकग्राउंड का एक कंपनी जो टेक्समेको रेल है, वो नया एक कोरियन कंपनी के साथ ऑलरेडी टाई अप कर चुका है, उसका जो हायर मैनेजमेंट, ऐसा कुछ न्यूज़ बाहर निकला है। टेक्समेको एग्रीमेंट विथ साउथ कोरियन फर्म फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ रेलवे कोलाबोरेशंस। तो इस कोलाबोरेशन से हम लोग देख सकेंगे टीटागढ़वागंज जैसे बहुत बड़ा कंपनी डिफरेंट टाइप ऑफ मेट्रो कोचेस अभी बनाता है, टेक्समेको भी फ्यूचर में बनाएगा। अभी वेस्ट बंगाल में जस्ट दुर्गा पूजा कंप्लीट हो चुका है। अभी दुर्गा पूजा का वजह से पूरा वेस्ट बंगाल में करीब करीब 70,000 करोड़ का पूरा इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हुआ है। अब करीब करीब जो रेस्टोरेंट्स है वो 1100 करोड़ रुपया रेस्टोरेंट अर्न कर चुका है, और टोटल 70,000 करोड़ और तो बिजनेस डन ड्यूरिंग दिस पूजास। एंड इसके लिए वेस्ट बंगाल का GDP, GST कलेक्शन, हर चीज़ में इंडिकेटर में वेस्ट बंगाल अच्छा फिनेंशियली परफॉर्म करते हुए हम लोग देखे हैं। उसके बाद वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का और एक ड्रीम प्रोजेक्ट, वेस्ट बंगाल में बंगाल गैस पाइपलाइन जो बिछाने का काम करेगा उसका प्रारंभ हो चुका है। बंगाल गैस के लिए ऑलरेडी कोचबिहार डिस्ट्रिक्ट में कुछ कुछ जगह पे इसका जो छोटे लेवल में काम स्टार्ट भी हो चुका है, जिससे LPG गैस पाइपलाइन घर तक आएगा। करीब करीब 4000
1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अटैक कर चुका है वेस्ट बंगाल में डिफरेंट जगह में जो गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए जो ये इन्वेस्टमेंट है। तो हम लोग यही आशा कर सकते हैं बहुत ही जल्द ये जो गैस पाइपलाइन से वेस्ट बंगाल में हर एक घर में एलपीजी गैस आए। उसके बाद हम लोग देखेंगे इस नवंबर में ग्लोबल बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट होने वाला है और डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज एंड डिफरेंट टाइप ऑफ बिग बिग इन्वेस्टमेंट आएगा। तो हम लोग सब वेट कर रहा है बंगाल बिजनेस समिट जो इस मंथ में होगा क्या क्या डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट आता है। उसके बाद बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में हम लोग देख सकते हैं जो रेल लाइन बिछाने का काम कर रहा है। अब इंडियन रेलवेज नॉट ओनली कोलकाता का आसपास पूरा वेस्ट बंगाल में डिफरेंट टाइप जगह में जो डेवलपमेंट का काम करता है तो ये वेस्ट बंगाल का डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। उसके बाद वेस्ट बंगाल का होम ग्रोन कंपनी बिरला टायर्स जो एक टाइम में फिनेंशियल इशू में बंद हो गया था अभी बिरला टायर्स को कोलकाता का एक बिग नेम जो है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स का ऑलरेडी ओनरशिप इसका स्टेक खरीद चुका है। अभी हिमाद्री बहुत ही जल्द जो बिरला टायर्स का प्रोडक्शन है जो जिसका कंपनी का फैक्ट्री ऑलरेडी उड़ीसा का बालासोर में उधर से बिरला टायर्स फिर से रिगेन होगा रोल आउट होगा और हिमाद्री जो कोलकाता का एक बिग केमिकल कंपनी का नाम है वो इस सेक्टर में एंट्री लेगा टायर इंडस्ट्री में। इससे क्या होगा और भी प्लांट बिरला टायर्स कोलकाता में और इंडिया का दूसरा जगह में बनाएगा तो कोलकाता का होम ग्रोन कंपनी के लिए एक बिग नाम है। उसके बाद हम लोग जाएंगे कोलकाता अभी कोलकाता के बाद जाएंगे इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में रेल कनेक्टिविटी बढ़ चुका है जो जिससे कोलकाता डायरेक्ट बांग्लादेश होते हुए नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्टेड होगा जिससे एक बिग जो घूम के जाना पड़ता था पूरा बांग्लादेश को कवर करके उसका वजह से बहुत पैसा खर्च होता था। अभी ट्रेन लाइन डायरेक्ट कोलकाता से अगरतला तक थ्रू बांग्लादेश होके जाएगा जिससे वेस्ट बंगाल को बहुत ही हेल्प होगा एक डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट करने के लिए टू बांग्लादेश एंड उसके साथ ऑलरेडी इंडिया मंगला पोर्ट से भी कोलकाता पोर्ट को कनेक्ट करेगा। इससे क्या होता है कोलकाता पोर्ट एंड कोलकाता से बहुत सारे इक्विपमेंट्स बांग्लादेश तक एक्सपोर्ट होगा जिससे दोनों देश का इकोनॉमिक एक्टिविटी बनेगा वेस्ट बंगाल का भी बहुत ही हेल्प होगा। उसके बाद कोलकाता जो एयरपोर्ट का उसका दूसरा जो रनवे का कंस्ट्रक्शन का काम नेक्स्ट मंथ से प्रारंभ होगा जिससे कोलकाता को और एक नया जो फ्लाइट रूट ओपन करने में जो रनवे का ज़रूरत पड़ता है उसको हम लोग देख सकेंगे। उसके बाद कोलकाता सेक्टर 5 एरिया में हम जब जाएंगे एक बिग सबसे ऊंचा टावर जो मार्लिन समिट बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम अभी ऑलरेडी चल रहा है बहुत ही जल्द वे जो बिग आप बिल्डिंग देख रहे हैं कोलकाता सेक्टर 5 एरिया में डिफरेंट टाइप ऑफ आईटी एंड डिफरेंट टाइप ऑफ इंजीनियरिंग कंपनीज को होस्ट करने के लिए यूज़ होगा। इससे कोलकाता सेक्टर 5 एरिया इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट आईटी हब बनके उभरने में चल रहा है। उसके बाद एक जापानीज फर्म जैसा टेरा मोटर जो कोलकाता से ऑपरेट होता है जो इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स डिफरेंट टाइप ऑफ ई रिक्शा बनाता है अभी टेरा मोटर्स का और एक सब्सिडरी टेरा पावर कोलकाता में ऑलरेडी टेरा चार्ज कोलकाता से ऑलरेडी जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन का काम स्टार्ट कर चुका है। टेरा चार्ज आप लोग देख ही सकते हैं जिसका हेडक्वार्टर टेरा चार्ज का हेडक्वार्टर कोलकाता ही है अभी इसका जो एक्सपेंशन का चल रहा है तो आप लोग देख ही सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ जापानीज कंपनी भी कोलकाता में इन्वेस्ट कर रहा है। उसके बाद कोलकाता और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का एक बिग नेम जो है आपका यात्री साथी ऐप उसका भी पूजा का टाइम में 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ चुका है तो ये एक बिग सक्सेस है। तो ऐसे टाइप के वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू ऑल।